हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुमिना सोलर एनएक्सजी 1800 वीएक सोलर इन्वर्टर का। इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों इस सोलर इन्वर्टर के प्राइस, इसके डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कितने वीएक का, कितने एएच का ये बैटरी सपोर्ट करता है, साथ ही कितना बैटरी सपोर्ट करता है, कितना वाट तक आप इसमें लोड डाल सकते हैं और कितना वाट का पैनल आप इसमें लगा सकते हैं, सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग जरूर से अंत तक देखिएगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये है लुमिनस का सोलर एनएक्सजी 1800 एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर। दोस्तों, लुमिनस एनएक्सजी सीरीज में टोटल 5 सोलर इन्वर्टर बना रहा है। एनएक्सजी 350 जो सबसे छोटा इन्वर्टर है, एनएक्सजी 750, एनएक्सजी 1100 और एनएक्सजी 1400, और ये दोस्तों ये है एनएक्सजी 1800 वीए। ये दोस्तों इसका मॉडल है एनएक्सजी 1800 वीए, लेकिन ये 1600 वीए का इन्वर्टर है। इससे पहले दोस्तों हमने तीनों इन्वर्टर का वीडियो बना रखा है, एनएक्सजी 350, एनएक्सजी 750, एनएक्सजी 1100 वीए। अगर यदि वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से एक बार चेकआउट कीजिएगा, अपने अनुसार आप देख सकते हैं कि कौन सा इन्वर्टर हमें लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस इन्वर्टर के कुछ डिटेल्स की। ये दोस्तों एक प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर है। ये बैटरी जो सपोर्ट करता है वो 150 एएच का दो बैटरी सपोर्ट करता है। सीरीज में आप सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो ही दोस्तों ये इन्वर्टर होगा, सिंगल बैटरी को ये सपोर्ट नहीं करता है। लोड आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों 1 किलो वाट से लेकर के 1.2 किलो वाट तक का, यानी कि 1000 वाट से लेकर के 1200 वाट तक का आप इसमें लोड डाल सकते हैं, जिसमें से आप मल्टी टाइप फैन चला लीजिए, बल्ब चला लीजिए, फ्रिज चला लीजिए, यानी कि 1200 वाट से ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, तो ये दोस्तों इन्वर्टर वो बिल्कुल आसानी से चलेगा। PWM टेक्नोलॉजी यूज है दोस्तों इसमें 98% एफिशिएंसी के साथ। और जो पैनल आप इसमें लगा सकते हैं वो 1000 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं, 24 वोल्ट का जो वोल्टेज को सपोर्ट करता है वो दोस्तों 36 वोल्ट से लेकर के 48 वोल्ट तक ये वोल्टेज को सपोर्ट करता है, पैनल वोल्टेज को, यानी कि 12 वोल्ट का पैनल आप इसमें नहीं लगा सकते हैं, 24 वोल्ट का पैनल आप इसमें लगा सकते हैं। दो मोड्स मिल जाते हैं दोस्तों इसमें, UPS मोड और इको मोड, और सभी तरह के बैटरी को ये सपोर्ट करता है। सोलर बैटरी सपोर्ट करेगा, इन्वर्टर बैटरी सपोर्ट करेगा, ट्यूबलर बैटरी सपोर्ट करेगा, फ्लैट बैटरी सपोर्ट करेगा, सभी तरह का ये बैटरी को सपोर्ट करता है। और साथ ही दोस्तों इसमें आप DC लोड भी चला सकते हैं 5 एम्पियर का। अगर यदि आप दो बैटरी इसमें कनेक्ट करते हैं तो 10 से 12 घंटे में ये बैटरी को फुल चार्ज करेगा। और हम कुछ इस इन्वर्टर के डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो इस इन्वर्टर को आप अपने घर में यूज करके 1.5 से लेकर के 3 यूनिट्स पर डे बिजली जनरेट कर सकते हैं अपने घर में, अगर यदि सोलर पैनल के द्वारा इसको कनेक्ट करते हैं तो। और ये फास्ट बैटरी को चार्जिंग करता है, आई चार्ज टेक्नोलॉजी इसमें इनबिल्ट है, जिससे कि आप फास्ट बैटरी चार्जिंग करता है। अगर यदि आपके एरिया में कम पावर रहते हैं तो फास्ट बैटरी चार्जिंग के द्वारा जल्दी बैटरी को चार्ज कर देगा। और साइन वेव आउटपुट करता है दोस्तों, बिल्कुल साइन वेव आउटपुट करता है, जिससे क्या बिल्कुल नॉइज नहीं आता, सिर्फ फैन का हल्का सा नॉइज आता है। वह स्क्वायर वेव इन्वर्टर होते हैं जो थोड़ा ज़्यादा नॉइज करते हैं, लेकिन ये कोई भी नॉइज नहीं करता और सभी एप्लीकेशन के लिए ये अच्छा होता है। साइन वेव इन्वर्टर कोई भी उपकरण को भी ये जल्दी ख़राब नहीं होने देता है। और दोस्तों बैटरी जो चार्जिंग करने लगता है वो 110 वोल्टेज में भी ये बैटरी को चार्जिंग करने लगता है, जिससे बहुत ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे वोल्टेज का अक्सर फ्लक्चुएशन होते रहता है, कभी 100 वोल्ट हुआ, कभी 90 वोल्ट हुआ, कभी 200 वोल्ट हो गया, तो क्या ये 110 वोल्ट में भी बैटरी को चार्ज करने लगता है? और स्पेशल गाँव के लिए भी है, गाँव में अक्सर का वोल्टेज फ्लक्चुएशन होते रहता है। और दोस्तों इको मोड सपोर्ट करता है, इको मोड और UPS मोड ये सपोर्ट करता है। इको मोड जब ऑन करना चाहिए जब आप TV, फैन, फ्रिज ये सब चला रहे हैं तो इको मोड ऑन करना चाहिए। और UPS मोड जब ऑन करना चाहिए दोस्तों जब आप PC को रन करना चाहिए, क्योंकि PC को 180 वोल्ट चाहिए और वही फैन वगैरह जो होते हैं उसको 180 से 260 वोल्ट चाहिए, इसलिए दोस्तों ये दो मोड्स को सपोर्ट करता है। और इसमें सेफ्टी भी प्रोटेक्शन हुआ, ओवर चार्ज नहीं होने देगा, डीप डिस्चार्ज नहीं होने देगा, ये सब सारा दोस्तों इसमें सेफ्टी का प्रोटेक्शन लगा हुआ। साथ ही बैटरी टाइप स्विच दिया हुआ है, बैटरी को आप सिलेक्शन करते हैं तो क्या जल्दी बैटरी चार्ज होती है, सोलर बैटरी है तो जल्दी चार्ज होगा, इन्वर्टर बैटरी, मतलब ये बैटरी सिलेक्शन स्विच से जल्दी बैटरी को चार्ज कर
और दोस्तों इस इन्वर्टर में टोटल 8 नोटिफिकेशन लाइट्स मिलते हैं फ्रंट साइड में। मैंस अवेलेबल का बैटरी चार्जिंग मैंस के द्वारा, बैटरी चार्जिंग सोलर पैनल के द्वारा, वोल्टेज रेगुलेशन का, पावर सेविंग का, लोड आउटपुट बैटरी के द्वारा और लो बैटरी का और ओवरलोड का, ये टोटल दोस्तों इसमें 8 एलईडी नोटिफिकेशन मिलते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर में 5 से 6 होता है, लेकिन दोस्तों सोलर इन्वर्टर में 2 एक्स्ट्रा होते हैं। दोस्तों बात करें इस इन्वर्टर के बैक साइड पैनल की, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या क्या स्विच आपको इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, एक 5-पिन सॉकेट है जहाँ से आप अपने घर का लोड डाल सकते हैं। एसी इनपुट वाला है, बैटरी का प्लस और बैटरी माइनस वाला टर्मिनल वाला तार है जो आपको जोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों एक कूलिंग फैन है जो सिस्टम को, इन्वर्टर को कूलिंग करते रहता है। बैटरी सिलेक्शन स्विच है, फास्ट चार्जिंग का स्विच है, इको मोड है, यूपीएस मोड है। उसके बाद दोस्तों नीचे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे है डीसी लॉट का, उसके बगल में पैनल कनेक्शन का, पैनल वाला कनेक्शन में भी मेंशन किया हुआ रहता है जहाँ से आप अपने प्लस वाला प्लस में डालिए, माइनस वाला माइनस में डालिए, वही डीसी आउटपुट वाला भी प्लस वाला प्लस में डालिए, माइनस वाला माइनस में डालिए। और दोस्तों आप अपने घर में ही इस इन्वर्टर को बिना टेक्नीशियन के द्वारा इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं, सभी जगह मेंशन किया रहता है कहाँ पे कौन सा तार लगाना चाहिए। और दोस्तों इस इन्वर्टर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन परचेस करेंगे तो वारंटी नहीं मिलेगा, बिल्कुल 100% वारंटी मिलता है ये इन्वर्टर में, चूँकि इन्वर्टर में जो रहता है वन साइड वारंटी रहता है। तो ये था दोस्तों इस इन्वर्टर के कुछ खास स्पेसिफिकेशन की। बात करें इसके प्राइस की, तो दोस्तों ये करीब 7 से 8 हज़ार रुपये के अंदर ये इन्वर्टर आता है, और ये इन्वर्टर दोस्तों जो है वो बहुत अच्छा है 7 से 8 हज़ार रुपये के अंदर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सोलर इन्वर्टर वाला वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। जल्दी मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक।